अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में यह है कि कौन से निश में या फिर कौन से सेक्टर में मैं प्रोडक्ट सेल करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे निश के बारे में बताऊंगा जो कि अभी ट्रेंडिंग में हैं और सबसे ज़्यादा सेल जनरेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप निश के बारे में, कौन से ऐसे निश हैं जिसमें हम सेल कर सकते हैं, करंट सिनेरियो में हम कौन से निश में हमें सेल करना चाहिए, या वो कौन से निश हैं जो एवरग्रीन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सेल आती है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको इन निश के गूगल ट्रेंडिंग पेज भी दिखाऊंगा कि गूगल में वो ट्रेंड कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, किस लोकेशन पर उनकी डिमांड ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन से स्टेट में उस निश की या फिर उस कीवर्ड की डिमांड है, और अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट की या फिर उस निश की डिमांड बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपसे फेसबुक मार्केटिंग नहीं आती है तो मैंने आपके लिए एक डिस्क्रिप्ट वे में फेसबुक एड मास्टरी कोर्स बना दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके एनरोल कर सकते हो और फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हो। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो, लीड जनरेट करना चाहते हो, या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से जाओ और इस कोर्स में एनरोल कर लो, क्योंकि अभी जो लिमिटेड टाइम के लिए मैंने इसमें डिस्काउंट ओपन कर रखा है, इसके बाद जो नॉर्मल प्राइस है वो उस प्राइस पर चला जाएगा। तो लॉकडाउन की वजह से मैंने इसको डिस्काउंट पर कर रखा था, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम उसका बचा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले निश की बात करते हैं, वो है गैजेट्स। जब भी हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स आते हैं, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमेशा टॉप पे जो निश रहा है वो है गैजेट्स। आप गैजेट्स में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल कर सकते हो। अगर आप अमेजोन पे भी जाओ या फ्लिपकार्ट पे, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, उन पे भी जाके देखो तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की होती है, जो कि आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे जो टॉप पे निश है उसको लेंगे, तो वो है गैजेट्स। ये गूगल में देख लेते हैं गैजेट्स का क्या सीन है और क्या ट्रेंड चल रहा है गैजेट्स का। तो अगर ये यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूनाइटेड स्टेट का बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर में आता है, इसको हम कर लेंगे पहले वर्ल्ड वाइड, तो हमें पता चल जाएगा पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या चल रहा है गैजेट का। तो ये अभी इसकी डिमांड अप साइड में चल रही है, एक एवरेज डिमांड ऐसे ही रहती है, और ये 12 मंथ का इस तरीके से शो करता है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है ना, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, टॉप फाइव कंट्रीज़ में दे रखी हैं, वहाँ पर गैजेट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। टॉप पर गियाना है, फिलीपींस है, ओमान है, नेपाल है, इंडिया है, यहाँ पर गैजेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और साथ में आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड भी पता चल जाएंगे, आप उसमें भी डील कर सकते हो। देखो, गैजेट्स में भी क्या सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, किचन गैजेट्स 2020, न्यू टेक गैजेट्स, कार गैजेट्स, कूलेस्ट गैजेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सर्च हो रही हैं गूगल में, और वो भी इन कंट्री से ये ट्रैफिक आ रहा है, सर्च आ रहा है, क्वेरी आ रही है। और अगर मैं इस फिल्टर लगा दूं इंडिया का, तो इंडिया टॉप फाइव में था ही, और अब भी देखते हो, आप देख सकते हो कितनी इसकी डिमांड हाई पे है गैजेट्स की। और इंडिया में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में ये डिमांड है। अंडमान निकोबार में है, आंध्र प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में। तो गैजेट्स एक ऐसा निश है जिसमें आप हमेशा सेल ला सकते हो और आप अच्छी सेल लेकर आ सकते हो, चाहे वो आपके ईयरफोन से रिलेटेड हो या मोबाइल की कोई भी एसेसरीज हो। ये एक ऐसा निश है जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहती है और सेल आती रहती है। जो यहाँ पर सेकंड निश है वो है होम अप्लायंसेस या फिर होम एलिमेंट्स। ये भी एक ऐसा निश है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल आती है। ये भी एक एवरग्रीन निश है, क्योंकि हम हमेशा दिमाग में हमारा यही रहता है कि हमारा जो घर है, जो हमारा रूम है, वो उसका लुक चेंज होता रहा है, उसमें नई नई चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, चाहे होम डेकोर से रिलेटेड हो, या इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड हो, या कोई फर्नीचर से रिलेटेड हो। तो ये भी एक ऐसा निश है जिसमें सेल कंटिन्यूसली बनी रहती है, ये भी एक एवरग्रीन निश कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं होम अप्लायंसेस के बारे में। होम अप्लायंसेस में वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है अभी भी, और काफ़ी टॉप पे चल रहा है। और इसमें जो कंट्री हैं, जो जहां पर से ये डिमांड आ रही है, जहां से कीवर्ड रिसर्च हो रहा है, ताइवान, हांगकॉन्ग, ईरान, कैनेडा, स्पेन। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप ये कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी इसकी डिमांड काफ़ी सही होना चाहिए। हाँ,
आप देख सकते हो ये टॉप पे जा रही है डिमांड, और अभी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है इंडिया में होम अप्लाइंसेस की। सिमिलर कंट्री स्टेट आए हैं जो अभी हमारे प्रीवियस उसमें आए थे, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, मतलब ये काफ़ी, और तमिलनाडु में, केरला में, गोवा, पांडिचेरी। जो कीवर्ड हैं वो क्या सर्च किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रिलेटेड क्वेरी, जो मतलब क्वेरी उसको बोलते हैं जो गूगल में एग्जैक्ट टर्म यूज़ किया जाता है और टर्म सर्च किया जाता है उसको बोलते हैं। गूगल से क्या क्वेरी की जा रही है, तो वो ये चीज़ है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेलेबल निश है वो है किचन सप्लाई या किचन प्रोडक्ट। ये एक ऐसा निश है जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहती है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट सेल होते हैं। किचन जो निश है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो होम मेकर होते हैं या फिर जो हाउस वाइफ होती हैं, वो चाहते हैं कि कम टाइम में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, चाहे वो कुकिंग वेयर हो या फिर कोई किचन वेयर हो। मतलब ये आपने देखा होगा, ये बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किचन निश में ट्रेंड करते होते हैं और ये हमेशा इनकी डिमांड बनी रहती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग किचन प्रोडक्ट हैं वो एवरग्रीन होते हैं और इनमें हमेशा डिमांड बनी रहती है। और आज की डेट में जब ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन है और वर्क टू होम चल रहा है, तो लोगों में भी एक इंटरेस्ट जाग गया है, मतलब जो वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है उनमें भी एक इंटरेस्ट जाग गया है कि वो भी कुकिंग की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बाय करते हैं जो कि किचन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अभी जो टाइम है, अगर आप मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ, तो अभी जो टाइम चल रहा है वो कैंपिंग का या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में बीबीक्यू से रिलेटेड, बारबेक्यू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सेल होते हैं, तो आप उसमें भी सेल कर सकते हो। और ये किचन निश में ही ये भी प्रोडक्ट आते हैं, तो ये किचन निश ऐसा है जो कि हमेशा इसमें डिमांड बनी रहती है। चलिए आप देख लेते हैं किचन प्रोडक्ट्स का क्या डिमांड चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिमांड कुछ सही है, 88 यहाँ पर शो कर रहा है। और जो कंट्री हैं वो है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सेंट हेलेना। तो ये कुछ इनोवेटिव किचन प्रोडक्ट्स और ये सर्च हो रहे हैं अमेजोन किचन प्रोडक्ट, ये टर्म चल रहा है। अब देख लेते हैं इंडिया में, क्योंकि हम इंडियन ई कॉमर्स और इंडियन ड्रॉप शिपिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इंडिया में क्या इनका डिमांड है, क्या कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो इंडिया में अभी थोड़ी डिमांड पहले के मुकाबले कुछ डाउन है। दोस्तों ये 12 महीने की आपको फिगर दिखाता है, और अगर आप 5 ईयर की देखना चाहते हो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में अभी तक का सबसे टॉप ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है ऑनलाइन किचन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। और फोर्थ जो यहाँ पर एवरग्रीन निश है वो है पेट सप्लाई। जी हाँ, अगर आप कोई भी पेट पालते हैं, चाहे वो कैट हो या डॉग हो, तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, चाहे उनके फूड प्रोडक्ट हों या फिर उनके स्लीपिंग बैग हों, स्लीपिंग होम हो, या सर्दियों में आने वाले उनके बैग हों या उनको कैरी करने वाले बैग्स हों, तो ये सारे प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि फूड तो एक ऐसा आइटम है जो कि पेट का जो फूड है वो डिमांड में रहता ही है, उसकी सेल कंटिन्यूसली बनी रहती है, क्योंकि जैसे हमें खाने को चाहिए वैसे हमारे पेट्स को भी खाने को चाहिए। तो ये पेट सप्लाई के अगर आप स्टोर बनाते हो तो उस पर भी एक डिमांड कंटिन्यूअसली बनी रहती है और ये भी एक एवरग्रीन निश ही कहलाता है। और जो नेक्स्ट निश है वो है ऑफिस सप्लाई, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल गया है वर्क टू होम का, लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बैठे काम कर रहे हैं, तो उनको जो ऑफिस से रिलेटेड एसेसरीज हुए, चाहे वो ऑफिस चेयर हुआ, ऑफिस टेबल हुई, या फिर लैपटॉप से रिलेटेड उनके जो स्टैंड हुए वो हुआ, या फिर लैपटॉप टेबल हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिस सप्लाई है, मतलब या फिर नोटबुक हुआ या फिर आपका जो भी ऑफिस के सप्लाई हैं, उसमें भी डिमांड बनी है, काफ़ी अच्छी डिमांड आई है और ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है निश, क्योंकि लोग वर्क टू होम कर रहे हैं और अपने घर को ही वो ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उनको एसेसरीज भी चाहिए, उनको जो प्रोडक्ट हैं ऑफिस से रिलेटेड वो भी उनको घर पे ही चाहिए, तो इस निश में भी काफ़ी डिमांड आ चुकी है। और जो नेक्स्ट निश है वो है फिटनेस, पर्सनल फिटनेस फ्रॉम होम, हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी जिम उस लेवल पे नहीं ओपन हुए हैं, गवर्नमेंट ने शायद अभी थोड़ा जो रिलीफ है वो दे दिया है जिम को और फिटनेस क्लब्स को, बट यहाँ पर जो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो वहाँ जिम में नहीं जाना चाह रहे, जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो रही है वहाँ नहीं जाना, क्योंकि लोग घर पे हैं और वो घर पे ही रहकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं, तो वो ऐसे आइटम प्रेफर कर रहे हैं जिम से रिलेटेड जो कि उनको घर पे ही एक अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दें, चाहे वो आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं जिम से रिलेटेड
वो सेल हो रहे हैं, और ये एक ऐसा निश है जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बनी ही हुई है, और ये डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क टू होम कर रहे हैं, उनका हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो वॉक नहीं कर पा रहे पहले के मुकाबले, वो फिज़िकल वर्क नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो घर पे बैठ के ही थोड़ा एक्सरसाइज कर लें. तो ये जो प्रोडक्ट हैं या ये जो निश है, इसमें अभी काफ़ी डिमांड बनी हुई है, और ये भी हाई डिमांड की तरफ जा रहा है. और जो लास्ट निश है वो है पर्सनल सेफ्टी. पर्सनल सेफ्टी एक ऐसा निश है जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में रहता है कि अपनी पर्सनल जो हमारी फैमिली है वो सेफ़ रहे, जो हमारा घर है वो सेफ़ रहे, हम सेफ़ रहें. तो पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हुए या फिर हमारी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हुआ. तो ये निश भी एक ऐसा है जो कि मतलब मैं इसको टॉप निश में तो नहीं रखूँगा, बट ये निश ऐसा है जिसमें कंटिन्यूसली डिमांड बनी रहती है. अगर आप एक नॉर्मल इसमें एक निश स्टोर बनाते हैं तो आपकी एक एवरेज सेल यहाँ आप ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा निश साबित हो सकता है. तो दोस्तों ये कुछ ऐसे निश मैंने आपको बताए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करो, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करो या फिर ई कॉमर्स करो, तो आप इस निश पे अपना स्टोर बना सकते हो और प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हो. दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाइए वहाँ मुझे फॉलो कीजिए. वहाँ मैं लाइव सेशन भी करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लाइव सेशन में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए. मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हो, और आपको नए नए तरीके बताता रहता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद, जय भारत.